नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अमीश देवगन। और साल 2014 के सबसे बड़े इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करवाने वाले हैं जिसके नाम की चारों तरफ चर्चा है और जो यूपीए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। इन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी एक चाय वाले के तौर पर, एक चाय वाले से प्रचारक तक, प्रचारक से नेता तक, नेता से मुख्यमंत्री तक, और अब ये उस सड़क पर निकल पड़े हैं जो जाती है प्रधानमंत्री की कुर्सी तक। अब पहुंचेंगे या नहीं ये आज हम नहीं कह सकते, लेकिन आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा हम इस वक्त बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं और आज आपकी मुलाकात उन्हीं से करवाएंगे। मोदी जी, जी मीडिया के तमाम चैनल्स और पब्लिकेशंस की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आधे से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है, सबसे पहला सवाल मैं यही पूछता हूं आपसे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी आपको कितनी दूर या कितनी करीब नज़र आ रही है, जबकि हम आधे से ज़्यादा चुनाव पार कर चुके हैं। जब चुनाव घोषित हुआ तो कांग्रेस के मित्र इस मूड में थे कि देश में हंग पार्लियामेंट बनेगी। कल भी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बयान दिया है कि हम तो मरे हैं लेकिन मोदी को बनने नहीं देंगे, इसलिए थर्ड फ्रंट के साथ हम जाएंगे। और मैं मानता हूं कि देश की राजनीति को कांग्रेस के लोग भलीभांति समझते हैं और ये बयानबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ उन्होंने पराजय स्वीकार कर लिया है। तो मुझे अब मेरे असेसमेंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस के बयानों से पक्का हो गया है कि माँ बेटे की सरकार गई, ये पक्का है। नई सरकार की मजबूत नींव का शिलान्यास हो चुका है, अब जो वोट बाकी है वो एक मजबूत सरकार बनाएंगे, ये मुझे विश्वास है। जी मोदी जी, ये जो चुनाव है आप बार बार अपनी रैलियों में बोलते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा चुनाव आप इसको मानते हैं, शायद 1947 के बाद, कुछ पॉलिटिकल पंडित कहते हैं 1947 के बाद ये सबसे बड़ा चुनाव देश में होने जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि एक मोदी, एक नरेंद्र मोदी बनाम तीन गांधी, पहले सोनिया गांधी, फिर राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी, व्हाट्स योर टेक सर? मतलब सर कि क्या आपको लगता है कि एक मोदी बनाम तीन गांधी हो गया ये चुनाव, क्योंकि प्रियंका भी कूद गई है? सही एनालिसिस नहीं किया है। यूपीए के सारे पार्टनर पिछले 10 साल में जिन जिन लोगों ने माल खाया, मलाई खाई, वो सारे राजनीतिक दल, पूरा चुनाव मोदी वर्सेस ऑल का चल रहा है। उनकी ये रणनीति है कि मोदी पर हमला करने से फायदा होगा जी, हमारी रणनीति है गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इसी मुद्दों पर बात करें, हम उसमें अड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और हम गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इन विषयों को लोगों के पास ले जा रहे हैं और जनता को हमारी बात अच्छी लगती है। बनारस में आपके नॉमिनेशन के बाद से आपके अंदर काफ़ी लोग बदलाव देख रहे हैं, आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, पहले से ज़्यादा आक्रामक भी आप लग रहे हैं, और आपके विरोधियों का ये कहना है कि जो भीड़ उस दिन उमड़ी उस भीड़ को देखकर आप ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं, तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्री बनारस और पोस्ट बनारस? मैं मानता हूँ ये न्यूज़ ट्रेडर्स को कुछ ना स्टोरी बनाने के लिए मसाला चाहिए। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। 15 सितंबर को रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की मेरी रैली है, उस दिन की मेरी सभा, उस दिन का मेरा बॉडी लैंग्वेज और आज तक का जी, उसको बराबर देख लीजिए, न मेरे में कोई फर्क है न मेरी सोच में फर्क है, क्योंकि मैं देश की जनता की नफ्स बराबर समझ सकता हूँ। पिछले 10 साल से देश की जनता ने जो भुगता है, परेशानियां झेली है, उसके अंदर उसके भीतर जो दावानल जल रहा है उसको मैं भली भांति जानता हूं। लेकिन मोदी जी, पिछले 3-4 दिन में हम ये देख रहे हैं कि हमले आपके ऊपर बहुत बढ़ गए हैं। ममता बनर्जी का हमला अचानक से आपके ऊपर बढ़ा, तृणमूल कांग्रेस के बयान आए, बुचर ऑफ गुजरात आपको कहा, उसके बाद मायावती ने बनारस के बाद कहा कि नहीं किराए की भीड़ थी, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो मोदी के जो समर्थक हैं वो सब समुद्र में जाके डूब जाएं, कि अचानक से, और प्रियंका वाड्रा जो कह रही है वो तो आपने देखा ही है कि वो कह रही है, कुछ आपको लगता है कि ये पीछे 4-5 दिनों में कुछ हुआ है
देयर इज सम अनरेस्ट, कोई बेचैनी है? मैं बताता हूँ, अब तक के जितने चरण में मतदान हुआ है तो वो भी तो राजनीति में है जी, उनको भी तो पता चलता है, भारत सरकार के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी रहती है और उसमें साफ नजर आ रहा है कि नैया डूब रही है और आपकी नैया आगे जा रही है, उनको साफ लग रहा है नैया डूब रही है। अब उनके सामने दो रास्ते हैं, या तो सामने वाले को गिराओ या खुद को बचने की कोशिश करो। खुद को बचने बचाने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है, कोई ऐसी ताकत, कोई ऐसा सोर्स, कोई ऐसा मुद्दा जो उनको बचा पाए ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा। तो उनको लगता है हमला बोलो, हो सकता है हमला बोलने से सारे इलेक्शन को कंफ्यूज किया जाए, उनका इरादा यही है, इलेक्शन का कोई एजेंडा सेट ना होने दिया जाए, मोदी को गालियां देते रह जाए। चुनाव देश का है, हिसाब लोकसभा को देना चाहिए, वो हिसाब गुजरात का मांग रहे हैं, तो ये उनकी बैंक्रप्सी दिखाई देती है, देश के गले नहीं उतरता उनका जी। मोदी जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि आप अपनी हर स्पीच के अंदर विकास डेवलपमेंट की बात करते हैं और बीजेपी का जो कैंपेन भी है वो कहता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो देश की जनता ये जानना चाहती है कि अच्छे दिन कैसे आएंगे। और एक और चीज़, लोगों को उम्मीदें बहुत बढ़ गई है, उनको लगता है कि अगर मोदी सरकार आएगी तो हमारे लिए पता नहीं क्या कर देगी। डू यू थिंक दिस इज वरिंग फॉर यू? और ये आपको कभी कभार नर्वस भी कर देता है क्योंकि उम्मीद जो है वो एक बड़ी चीज़ होती है। ये अच्छे दिन आने वाले हैं जी, इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। 8-9 जनवरी दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस होता है जी, 8 तारीख को प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था। और जो विश्व भर में फैले हुए भारतीय समाज है उनको संबोधित कर रहे थे और उन्होंने उनको कहा कि आप लोग चिंतित होंगे, बुरे दिन हैं, बुरी खबर आ रही है, लेकिन आप भरोसा कीजिए अच्छे दिन आने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री बोले थे। 9 तारीख को मेरा भाषण था जी, उसी फोरम में मैंने कहा कि अब प्रधानमंत्री ने कल कह ही दिया है तो मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो सारे ऑडियंस को पता चल गया कि मैं अच्छे दिन आने वाले क्या कह रहा हूँ, उसमें से ये चीज़ आगे चली जी। ये बात सही है, देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ है, उनको ये चिंता है कि भाई स्थिति बाहर कैसे निकलेंगे। तब जाकर के उसको लगता है यार गुजरात में कुछ तो हुआ, 2001 में भयंकर भूकंप, गुजरात मौत की चादर ओढ़ करके सोया था जी, और वो गुजरात जो कभी खड़ा नहीं होगा, दुनिया ने मान लिया था अब गुजरात के दिन गए, वो गुजरात खड़ा हो गया, दौड़ने लग गया, देश के सामने एक उदाहरण रूप काम करके दिखा दिया। तो लोगों को लगता है इतने बड़ी भयंकर आपदा के बाद अगर गुजरात खड़ा हो सकता है तो संकटों से घिरे देश से देश भी निकल सकता है। लेकिन मोदी जी, सबसे बड़ी जो चुनौती है और जो हो सकता है कि आपके लिए भी एक टेंशन बने, वो ये है कि आप जिस तरह के सपने अभी आपने दिखाए और जो उम्मीदें पाल के लोग बैठे हैं उससे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री बने अगले दिन से राम राज्य शुरू हो जाएगा, अगले दिन से आम जीवन जो है वो बदल जाएगा। वादे जो आपने किए, महंगाई है, रुपए की कीमत है, खस्ता अर्थव्यवस्था है, भ्रष्टाचार, काला धन वापस लाएंगे, तो वादे बहुत सारे हो गए और आपके पास काम करने के लिए सिर्फ 5 साल होंगे, 60 महीने होंगे, करीब 1800 दिन होंगे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा हों तो आपको, मुझे ऐसा लगता है कि 5 साल में 15 वर्ष का काम करना पड़ेगा। देखिए, इसमें आपका ये विचार आपको आना दोष नहीं है आपका, क्योंकि 10 साल आपने इतना बुरा देखा है, इतना बुरा देखा है, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं कर पा रहा हूँ, मुझे खुद यही लग रहा है कि आप कैसे बदलेंगे। आपका कोई दोष नहीं है क्योंकि इतना बुरा दिखा है, आपको भी लगता है कितना भयंकर है। आपने एक अपने भाषण में कैसे निकालोगे कि मुझको तो कुछ समय लगेगा गड्ढे भरने के लिए, 5 साल का समय लग जाएगा लगभग। 16 मई को जैसा ही रिजल्ट आएगा जी, आप देखना 125 करोड़ देशवासियों में एक ऐसी चेतना जगेगी, एक ऐसी ऊर्जा प्रकटेगी पॉजिटिव, और मैं मानता हूँ ये नेगेटिविज्म से एकदम से बाहर चले जाएंगे और फिर 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले ना तो देश 125 करोड़ कदम आगे चले जाएगा। इसलिए मुझे निराशा नहीं है जी, ये बात सही है, मैंने ऐसा कोई दावा नहीं किया है जो आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। मैंने इतना ही कहा है, गुड गवर्नेंस हमारी प्रायोरिटी है,
डेवलपमेंट हमारी प्रायोरिटी है। मैंने यही कहा है, मैंने किसी को ये नहीं कहा है कि तेरे घर के आगे रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी हो जाएगी, कभी नहीं कहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई पीने का पानी तो मिलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आज माताओं बहनों को खुले में शौचालय जाना पड़ रहा है, कम से कम मेरी माँ बहनों की इज्जत के लिए उनको एक शौचालय तो मिले जी। मैं ऐसी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ भाई जी। मोदी जी, आप अपने भाषणों में अक्सर, मैं तमाम चीज़ें कोट कर रहा हूँ, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। हमने आज़ादी के बाद कई चुनाव देखे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत देखा की बात सुनी, गरीब मुक्त भारत की बात सुनी, कांग्रेस मुक्त भारत, व्हाट डू यू मीन बाय दैट सर? ये जितनी बुराइयां हैं ना जी, उसको अगर एक जगह पे इकट्ठी करो तो उसका नाम कांग्रेस बन जाता है, क्योंकि सारी मुसीबतों की जननी कांग्रेस पार्टी बन गई है। और जब तक आप उसकी जननी का हिसाब चुकते नहीं करोगे, ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो कांग्रेस स्वयं, चाहे भ्रष्टाचार हो तो कांग्रेस से जुड़ जाता है, कुशासन देखो कांग्रेस से जुड़ जाता है, वंशवाद देखो कांग्रेस से जुड़ जाता है, नौजवानों के भविष्य में अंधकार देखो कांग्रेस से जुड़ जाता है। तो अच्छा ये है कि भाई जिसके कारण मुसीबतें हैं उस मुसीबतों को हटाओ, और इसलिए सरल भाषा में लोगों को समझा सकते हैं देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहिए। और ये बात मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं जी, महात्मा गांधी ने ये कहा था। महात्मा गांधी के जीवन के अंतकाल का ये सपना था, उन्होंने कहा था भाई अब कांग्रेस आजादी के आंदोलन में ठीक थी, अब आगे काम नहीं है, आप छोड़ दो, सब बंद करो। गांधी जी से ज्यादा कांग्रेस को कौन जानता है? लेकिन कांग्रेस तो वो कांग्रेस को भली भांति जानते थे, उनको पता था ये आगे संकट बन जाएगा। और दूरदृष्टा थे गांधी, बड़े दीर्घदृष्टा थे जी, उन्होंने कहा भाई इनकी छुट्टी कर दो, लेकिन अब नहीं हुई। देश की जनता ने भी गांधी का नहीं माना, अब यह काम हमने उठाया है, देश की जनता माने, हमारा प्रयास है। मोदी जी, इसमें सवाल एक ये भी आता है कि एक बार पहले बीजेपी को मौका मिला था, अब की बारी अटल बिहारी, एक बार ये नारा चला था, और उसके बाद अब हम सुनते हैं अब की बार मोदी सरकार। ये एक बड़ी बात है कि आपके नाम पर एक पूरा नारा हुआ, और ऐसा इससे पहले सिर्फ अटल बिहारी जी के लिए हुआ था। 5 साल का मौका मिला, 182 सीटें उस टाइम आई थी, ऑल टाइम बेस्ट बीजेपी रही थी, लेकिन 5 साल के बाद फिर वो रिपीट नहीं हो पाया, वही कांग्रेस वापस आ गई। इस बार आपको क्या ये डर नहीं लगता? या फिर अगर आप आए तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक बार नरेंद्र मोदी अगर आया तो फिर 10-15 साल छोड़ेगा नहीं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप करेक्ट कर लीजिए, अटल जी की सरकार 3 बार बनी थी, अटल जी 5 साल के बाद भी दोबारा आए थे और उनकी सरकार बनी थी। नहीं, पर लगभग अगर मैं एक टर्म की बात करूँ, उनको 6.5 साल काम करने का सौभाग्य मिला था, और इसलिए ये कहना कि उनको काम करने का टाइम नहीं मिला था फैक्चुअली एरर है। नहीं, मैंने तो 5 साल बोला ही कि एक टर्म उनको मिला। दूसरी बात है, आप 10 साल के अनुभव के कारण काफ़ी निराशा में डूबे हुए हो, आपकी हर सवाल में निराशा झलकती है, मेरे हर जवाब में आशा झलकती है। और मैं मानता हूँ 2014 का चुनाव ये आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है जी। और देश को चलाने में होप बुरी चीज़ नहीं है, अपेक्षाएं बुरी चीज़ नहीं है, डरो मत। और अच्छा है सामान्य मानवी में एस्पिरेशन जगना, ये देश की प्रगति के लिए अच्छी बात है। अगर सब लोग ठीक है यार अब दो रोटी मिल गई कुछ नहीं करना है, जिंदगी कहाँ से चलेगी भाई? हर एक में उत्साह होना चाहिए, कल था वहाँ से आज आगे जाना है, यही तो मिजाज होना चाहिए। मैं एक और, क्योंकि सुधीर ने जो बात की उसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि चुनाव हो रहा है, 2014 में चुनाव, फिर 2019 में चुनाव होगा। जयराम रमेश ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया एक इंटरनेशनल चैनल को, और उसने बोला कि बीजेपी इज लाइक अ जयकॉल, बीजेपी जो है वो एक जयकॉल की तरह है, और कांग्रेस इज लाइक अ जाइंट एलिफेंट। अगर राहुल गांधी इस बार हार भी जाते हैं तो उनका सिक्का चल जाएगा, बट वॉट विल हैपन टू नरेंद्र मोदी? दैट वॉज द पॉइंट ही रेज्ड। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? क्यों, मैं तो चाय बेचता था, चाय बेचूंगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है जी। मैं जिंदगी में कुछ लेने पाने बनने के लिए नहीं आया हूँ, नए से सपने दे करके निकले हैं, चाय बेचते बेचते जनता की सेवा करने के लिए आए हुए, अभी भी कोई कुर्सी वर्सी के सपने दे करके बैठे नहीं है। वो जयराम को उनके अपने रोजी रोटी के लिए इनकी तारीफ करना उनकी मजबूरी है जी। मोदी जी,
आप चाय बेचते थे, ये आपने जब बयान दिया दिल्ली में, बहुत सारे लोगों को पहली बार पता चला कि आपका इस तरह का बैकग्राउंड है, और वो बयान बहुत लोगों को अच्छा लगा और लोगों ने आपके साथ एसोसिएट करना शुरू किया। लोगों को इस चुनाव के दौरान ये भी पता चला कि आप भी OBC से संबंध रखते हैं, ये भी बात लोगों को पता नहीं थी। आपको ऐसा लगता है कि आपके OBC स्टेटस के बारे में पता लगने के बाद इसका भी आपको एक लाभ मिलेगा, और जो इस देश के जो पिछड़े लोग जो हैं वो आपके साथ ज़्यादा, चाय वाले तो आ ही जाएंगे लेकिन जो पिछड़े लोग हैं वो भी अच्छा, आएंगे। आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं कुछ बताऊं, वैसे मैं कभी ये बात बताता नहीं हूँ लेकिन अब आज आपने मेरे मुंह में उंगली डाल दी है। देखिए, मैं जातिवादी राजनीति का विरोधी हूँ, मैं संप्रदायवादी राजनीति का विरोधी हूँ, मैं वोट बैंक की राजनीति का विरोधी हूँ, और इसलिए मैं कभी भी इस प्रकार के बैकग्राउंड का उपयोग करके चुनाव न लड़ना चाहता हूँ, न देश को उस दिशा में लेने जाना चाहता हूँ। नहीं, हुआ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 95 में गुजरात BJP में अंदरूनी तनाव पैदा हुआ और शंकर सिंह वाघेला ने, खुद OBC हैं ऐसा अपने आप को पोर्ट्रेट किया, केशु भाई नरेंद्र मोदी फॉरवर्ड है, मैं बैकवर्ड हूँ, BJP में बैकवर्ड की कुछ चलती नहीं, ऐसा उन्होंने मीडिया के माध्यम से बहुत चलाया और चल रहा था, मीडिया भी मानता था कि ये बैकवर्ड है। एक दिन ऐसे ही मीडिया के लोग बैठे थे, उन दिनों बिहार से 5-7 लोग या मीडिया में नौकरी करते थे, तो उनके दिमाग में जातिवाद भरा पड़ा था, तो चर्चा चली। मैंने कहा, देख भाई मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन मैं आज बता देता हूँ मैं कौन हूँ, ये झूठ चला रहे हो आप लोग, बेकार में चला रहे हो, मैं ऑफिशियल तो नहीं बोलता था। मैंने कहा, शंकर सिंह उच्च क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैंने कहा मोदी मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी से आता है, तो उन्होंने जो मुझे कहा उससे मुझे धक्का लगा। उन्होंने कहा, मोदी जी आपका चेहरा, आपका व्यवहार, आपका स्किन कलर, इससे तो नहीं लगता है। मैंने कहा, यार तुम ऐसा चाटा मार रहे हो, क्या OBC आदमी फेयर स्किन का नहीं हो सकता है क्या, क्या OBC आदमी तेज बुद्धि प्रतिभा का नहीं हो सकता है क्या, क्या OBC आदमी दुनिया को सेवा नहीं कर सकता है क्या। तो ये बैकग्राउंड में मेरी बहस हुई थी, मैं इस विषय को कभी बोलता नहीं था। जिस दिन मेरी दिल्ली में रैली थी उसी दिन मैंने अखबारों में कोई फालतू लोगों ने पता नहीं गाली गलौज कर दिया था, उस दिन आप भागो हो गए, असल में मैं बता दो इतना गाली गलौज किया, तब मेरा मन कर गया कि भाई क्या बोल रहे हो आप, राजनीति अपनी जगह पे उत्तम मर्यादा रखो। और तब मैंने कहा, भाई आपको पता नहीं मैं जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूँ कि मोदी वो इंसान है जिसने रेल के डिब्बे में चाय बेचते बेचते आज यहाँ आया। और आपने पूरी कैंपेन बना दिया चाय पे चर्चा। मैंने नहीं बनाई जी, मैंने नहीं बनाई। उसके बाद मणिशंकर ने बड़ा हमला बोल दिया जी, औरों ने मेरे चाय पे होने पर गालियां देना शुरू, आपको बोला गया आप ACC के दफ्तर में आके चाय बेचिए, बहुत सारी चीजें मेरे लिए बोली गई। अब उसके बाद जो इस तबके से साथ जुड़ा हुआ गरीब आदमी है उसको लगा, क्या इस देश में गरीब होना गुनाह है क्या, क्या एक गरीब माँ का बेटा, मैं बताता हूँ जी, मेरी माँ अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करती थी, पानी भरती थी और हमें पाला है, लेकिन हमने इन चीजों का राजनीतिक जीवन के फायदा नहीं उठाया और हम उठाना नहीं चाहते। लेकिन राजनीति में गाली गलौज करने की कोई मर्यादा होती है क्या? आपको लगता है इस चुनाव में सारी मर्यादाएं टूट गई हैं, खासतौर पर भाषा के संदर्भ में? ये इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ जी, क्योंकि मीडिया ने इस विषय में हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, बहुत अन्याय किया है। आप सिर्फ YouTube पर जाकर देख लीजिए, आपको हिंदुस्तान में कांग्रेस का एक नेता नहीं मिलेगा जिसने मेरे लिए भयंकर भयंकर गालियां न दी हो। और हमारा एक छोटा कार्यकर्ता कहीं बोल दे तब बराबर बराबर रखते हो बात को। बहुत अन्याय किया है आप लोगों ने हमारे साथ, व्यक्तिगत मेरे साथ इतना अन्याय किया है, ईश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा जी। आपको लगता है 12 साल से मीडिया ने आपको खूब आपसे सवाल पूछे हैं, और खूब सवाल पूछना चाहिए, और मैं निमंत्रण देता हूँ सवाल पूछिए। आपने सवाल पूछे होते देश का भला होता जी, आपने एनालिसिस किया होता मुझे अच्छा लगता, आपने स्क्रूटिनी की होती मुझे अच्छा लगता, आपने वेरिफिकेशन किया होता मैं आपकी तारीफ करता, लेकिन मीडिया ट्रेडरों ने सिवाय गंद फैलाने कुछ नहीं किया, आरोप लगाने के सिवाय कुछ नहीं किया।
आपको अगर किसी चीज का एनालिसिस करना है तो रिसर्च करनी पड़ती है जी, मेहनत करनी पड़ती है। आज मीडिया ट्रेडर पर जितना जितने भी आप जितना आप तमाम बातें बोल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी लोकप्रियता बढ़ गई, ये तो आपके लिए, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तपा तपा कर आपको सोना बना दिया मीडिया ने? तो मीडिया का धन्यवाद, और क्या कहूँ भाई, लेकिन सोना बनाने के लिए यही रास्ता था क्या? लेकिन मोदी जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, 10 साल तक मैंने आपके पुराने भी इंटरव्यूज देखे, जब हर इंटरव्यू एक ही सवाल से शुरू होता था, दंगों से शुरू होता था, और हर इंटरव्यू करने वाला एक ही बात पूछता था कि आप माफ़ी क्यों नहीं मांगते, वो उस वक्त क्या आपकी मनोदशा, उस ये जो 10 साल आपने झेली है, क्या होती थी? मैं पूछने वालों को जानता हूँ जी, उसके इरादों को जानता हूँ, किसके स्पॉन्सर्स क्वेश्चन आए वो भी जानता हूँ, नागरिकों को मालूम नहीं, मुझे तो मालूम है, तो मुझे दुखी होने का कुछ कारण नहीं होता है। लेकिन आप जी, आप 63 साल के हैं, अभी जो हम बात कर रहे थे, बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आप आते हैं, कैम्ब्रिज गए नहीं, हार्वर्ड गए नहीं, और इस बैकग्राउंड से और इस उम्र के व्यक्ति का सोशल नेटवर्किंग पर इतना कनेक्टेड होना और यूथ को इतना इंस्पायर करना, ऐसा आप में क्या था जो कि आपके आपके विरोधी यूथ हैं आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं लेकिन युवा आपसे इंस्पायर हो रहा है, तो मैं यही जानना चाहता था कि ये सफ़ेद बालों में और सफ़ेद दाढ़ी में ऐसा क्या है जो बाकियों में नहीं है? मैं औरों की आलोचना तो नहीं कर सकता हूँ, और न ही मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मैं मुझे अब पूरी तरह जानता हूँ, मैं खुद को भी पूरी तरह जानता नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है अगर आप कोई 25-50 नौजवानों का स्ट्रे इंटरव्यू करें, डिबेट करें, उनसे निकलवाएं तो शायद निकल सकता है कि भाई क्या कारण है उनको, व्हाट इज द स्पार्किंग पॉइंट, वो काम हो सकता है। लेकिन एक मोटी मोटी चीज़ अगर मैं कहूँ तो देश में इन दिनों एक बड़ी चर्चा है कि इस आदमी में मेहनत करने की कितनी ताकत है, क्या एनर्जी है, और मैं मानता हूं कि हमारे देश में बाय एंड लार्ज राजनेताओं का बहुत इजी गोइंग लाइफ है, यानी एक पद पर पहुंच, नीचे का नहीं, नीचे का कार्यकर्ता बहुत मेहनत करता है बेचारा, सोता भी नहीं है, लेकिन एक स्तर के लोगों का है, जबकि मुझे लोग देखते हैं एक मजदूर के रूप में देखते हैं, और मैं भी जिंदगी को मजदूर की तरह ही जीना अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि उसी की आदत है मुझे। मोदी जी, ये हो सकता है युवाओं को आपकी ड्रेसिंग सेंस पसंद आती हो, क्योंकि आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट पे ये भी चलता है कि हाउ गुड नरेंद्र मोदी इज ड्रेस्ड अप। देखिए, आई डोंट थिंक ड्रेस तो फिर तो कलाकार बहुत इंस्पायरिंग होते हैं, लीडर्स अगर ड्रेसिंग ही होता, लीडर्स अपने आप में इंस्पायर, नहीं ड्रेसिंग ही होते तो कलाकार ही ज्यादा इंस्पायरिंग होते जी, लेकिन यंग जनरेशन को ड्रेसिंग से लेना देना मोदी जी, लेकिन एक बात बता दो, हमारे देश के यंग जनरेशन के विषय में हम लोग पुनः विचार करें, बहुत ही तेजस्वी है वो। आज देखिए, आज मीडिया इरेलीवेंट क्यों हो गया? इरेलीवेंट इसलिए हो गया कि यंग जनरेशन वो गूगल गुरु का चेला है, वो दुनिया भर से इंफॉर्मेशन खुद इकट्ठा करता है, खुद एनालिसिस करता है, खुद रिपोर्टर, और फिर अपना ओपिनियन बनाता है जी, इसलिए वो कपड़ों से, भाषण से, चेहरे से इस देश का युवान फंस जाए तो 2009 में यही देश का युवान राहुल भैया की ऑटोग्राफ लेने के लिए क्यों लगाता था, उसी युवान ने उनको छोड़ दिया, इसलिए वो बहुत बारीकी से एनालिसिस करता है जी। आपको कभी मोदी जी ऐसा लगता है, आपने खुद एक बार अपने भाषण में कहा था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं भ्रष्टाचार करूंगा तो किसके लिए करूंगा, क्या आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आप परिवारवाद से ऊपर हैं, परिवार से ऊपर हैं, ये एक चीज़ आपके पक्ष में जाती है, और आपके जो विरोधी हैं उन पर परिवारवाद के लगातार वंशवाद के आरोप लग रहे हैं? मैं ऐसे ढेर सारे लोगों को जानता हूं कि जिनका भरा भला परिवार होने के बाद भी भ्रष्टाचार के पाप में नहीं पड़े, इसलिए परिवार को दोषी देना ठीक नहीं है जी। मेरा जो कहने का तत्पर्य था वो हमारे देश में एक कहावत के रूप में कहा जाता है उसमें अर्थ में, लेकिन इस देश के मीडिया को फुर्सत नहीं है, हिंदुस्तान के मीडिया के और खास करके न्यूज़ ट्रेडरों ने ये बना दिया है कि सारे राजनेता चोर हैं, और उससे कारण देश में निराशा फैली है जी। मैं तो चाहूँगा कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, उनकी अच्छी बातें देश के सामने लानी चाहिए, अगर हम गंदी ही फैलाते रहेंगे तो देश में निराशा फैलेगी।
जी मैंने कभी नहीं चाहा कि मोदी का परिवार कैसे रहता है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी माँ आज भी 8x8 के कमरे में रहती है, 5 रुपये 7 रुपये का हवाई चप्पल पहनती है, और उसको जीवन का संतोष है। ये मेरे संस्कार है, ये मेरा गर्व है। लेकिन कोई अगर दिन रात यही बातें करता रहे और कोई हमारे वाक्य को इधर उधर करके कुछ भी लफबाजी करते रहे, इससे क्या देश का भला होगा क्या? जी अब मोदी जी, आपने भ्रष्टाचार की बात करी। जी मीडिया ने ऑपरेशन हवाला अभी एक्सपोज किया है, जिसमें कई नेताओं के ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, और उसमें 4 मंत्री हैं और एक बड़ा नेता है। क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार वाकई बड़ी समस्या, और हवाला, क्योंकि हमने हसन अली केस भी देखा है और अभी मोइन कुरैशी केस भी हम देख रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट सर? देखिए, हिंदुस्तान पूरा भ्रष्टाचार से परेशान है, और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार से शर्म अनुभव नहीं करती, वो सबसे बड़ा संकट है। वे हल्ला बोल देते हैं, उनको लगता ही नहीं वो पाप कर रहे हैं। हमारा कहना इतना ही है कि ये जो विषय आया है मीट एक्सपोर्टर का, जी अगर भारत सरकार के पास चीजें हैं सारी खुल करके रख देनी चाहिए। अब देखिए, उनको लगेगा कि सरकार बदल रही है तो सारा नष्ट कर देंगे, कोई बचेगा ही नहीं। 500 घंटे की रिकॉर्डिंग है, वही तो मैं कहता हूँ, 500 घंटों की रिकॉर्डिंग हो और सीधी सीधी लोगों का कारोबार की बात हुई हो, देश के सामने आना चाहिए। हमारी मांग इतनी क्या है, क्या नहीं हमने क्या देखा? हम माने कि जब मोदी सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार पर जो जीरो टॉलरेंस की बात है, चाहे वो कोयले घोटाले के आरोपी हो चाहे वो 2G हो, अभी तक भारत सरकार ने, जी आपने जो एक्सपोज किया स्टोरी को, डिनाई नहीं किया है। गुनहगार लोग कितना ही डिनाई करे कोई मतलब नहीं है। जी भारत सरकार ये कहे कि हमारे पास टैप नहीं है, हमने कोई किया नहीं है, ये GTV वाले झूठ चला रहे हैं, भारत सरकार बोले ना, वो तो बोल नहीं रहे। लेकिन आज आप देश को ये बताना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार आई तो आप ये केसेस को दोबारा से या तो रीओपन करेंगे, या आप देश को ये भरोसा दें कि अभी आप देखिए CBI क्लोजर रिपोर्ट्स फाइल कर रही है कि करके, क्योंकि अभी 20-25 दिन है उनके पास, 20 दिन है, उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। जब आपके हाथ में वो चाबी आएगी तो आप उसको अंडू करेंगे? ये आपका सवाल जो है ना बड़ा लोडेड है। अगर मैं कहूँगा करूँगा तो आप कहेंगे मोदी के विंडिक्टिव मूड है, मोदी विंडिक्टिव है, मोदी टिकना है, मोदी फलाना है। मैं कहूँगा नहीं करूँगा तो आप कहेंगे मोदी को भ्रष्टाचार के विषय में सिर्फ पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं, कुछ करना नहीं है। ये सवाल ही बिल्कुल लोडेड है, मुझे फंसाने के लिए सवाल है। मैं मानता हूँ कानून कानून का काम करेगा, राजनीतिक हस्तक्षेप ऐसी चीज़ों में होना नहीं चाहिए। अब मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मोदी पर कोई केस चलता है वैसे ही चलते रहना चाहिए, मैं मेरी बात बताता हूँ। अच्छा, आपको फंसाने के लिए एक और सवाल पूछ लेते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के बारे में आपके क्या ख्याल है? रॉबर्ट वाड्रा को लेकर रोज नई खबरें आ रही हैं, आपकी पार्टी भी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कुछ। मेरी पार्टी देश हित में जितना होगा वो कहते रहे, वीडियो निकाला उन्होंने दामाद श्री। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऑफिशियली विद डॉक्यूमेंट्स जो भी आवश्यक है वो कहते हैं, उस पर मुझे कोई उलझने की जरूरत नहीं। चलिए थोड़ी इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। बाबा रामदेव एक प्रपोजल लेके आए हैं, BTT का लेके आए थे वो प्रपोजल। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी टैक्स प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करना चाहती है, जो हमारी कुछ नेताओं से बात हुई, आपको भी हमने कई जगह सुना, तो क्या जो बाबा रामदेव का प्रपोजल था BTT, क्या आपको लगता है वो फीजेबल है? और सेकेंडली, क्या आपको नहीं लगता कि बाबा रामदेव कोई मोदी सरकार को शीर्ष शासन न करा दे जब सरकार बने? आप बाबा रामदेव को बीच में मत लाओ जी, आपकी उनके प्रति भक्ति है, अच्छी बात है, और नहीं मैं इस विषय की यहाँ चर्चा करता हूँ। अगर ऐसे विषय हैं तो शासन में बैठने के बाद इसके जो एक्सपर्ट होते हैं जी, उनके ओपिनियन पर डिपेंड करता है। जी जी मोदी जी, टॉफी और गुब्बारों की बड़ी चर्चा हो रही है, बात हुई कि टॉफी के दाम पर जमीन बेची गई, फिर आपने गुब्बारों की बात की, उसके बाद पर्सनल एलिगेशंस लगते चले गए, कभी माँ बेटे की बात होती है, कभी दामाद की बात होती है, कभी आपकी शादी की बात होती है। आपको ऐसा लगता है कि ये सारा प्लान्ड है या भावावेश में ऐसा इस बार होता हुआ चला गया? और मैं टाइम क्यों खराब करूं भाई, वो बोलते हैं आप चलाते हैं, आपको TRP मिलता है, उनको पब्लिसिटी मिलती है, आप दोनों का व्यापार है, चलने दो, मुझे क्यों डालते हो? और स्पेसिफिक होता हूं, प्रियंका वाड्रा कह रही हैं आपके बयान पे कि देश चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं, सीने के अंदर बड़ा दिल होना चाहिए।
मेरे चुनाव का एजेंडा है गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट जी, मैं इस पर बोल रहा हूँ, आपको कोई और जानकारी जी गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, बार बार बोल रही है अच्छे दिन आने वाले, अच्छे दिन आने वाले। एक रिपोर्ट आई है मानसून जो है इस बार थोड़ा खराब हो सकता है, क्या कहना चाहते हैं आप? इसका जवाब भी मैं दूंगा जी, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री, बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। क्या पहली बार मानसून का अच्छा बुरा खबर आई है क्या? नहीं, पर फिर भी इसके पहले कभी नहीं आई। मैं भाग्यवान व्यक्ति हूँ जी, गुजरात में 10 साल में 7 साल अकाल होता था। मैं इतना नसीब वाला हूँ कि मैं जब से गुजरात में बैठा हूँ एक बार भी अकाल नहीं आया। तो आपको लगा देश में भी नहीं पड़ेगा? तो ईश्वर की कृपा मेरे पर तो रही है अब तक। तो कॉमन मैन के लिए नरेंद्र मोदी का एजेंडा क्या है? हमारे सारे एजेंडा कॉमन मैन के लिए ही है, कोई खास आदमी के लिए नहीं है। उसकी जिंदगी आप कैसे बेहतर बनाएंगे? नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, स्किल डेवलपमेंट पर बल देना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ देना, कृषि योजना को आगे बढ़ाना, जो कृषक है किसान है उसकी जो मेहनत है उसका उसको पूरा दाम मिलना चाहिए, माताओं बहनों का सम्मान होना चाहिए, गरीबों के साथ मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, गरीबों को भी गरीबी से बाहर आने की ताकत मिले उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर हम आगे चलना चाहते हैं। मोदी जी, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, आपने थोड़े दिन पहले दाऊद इब्राहिम को लेकर एक बयान दिया था, उसके बाद हम लोगों के मन में भी ये बात थी कि जो इंडिया के जो ऐसे जो आतंकवादी हैं जो कि बाहर हैं, मोस्ट वांटेड जो हैं, जिनको हम वापस नहीं ला पाए, लोग ऐसी उम्मीद करते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप उनको वापस लेके आएंगे, और आपके उस बयान के बाद आप ये बात जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम और उसके लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आपके बारे में पता लगा रहे हैं। इन सर्कमस्टेंसेज में आपकी अपनी सिक्योरिटी को लेकर आप कितने सजग हैं, और दूसरा आज आप देश को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप आए तो अपने आप को आप कितना समय देंगे इन सब लोगों को वापस भारत में लाकर सजा दिलवाने में? मोदी को मोदी की सिक्योरिटी की चिंता नहीं है, और न ही कभी मोदी मोदी की सिक्योरिटी की चिंता करेगा। 27 अक्टूबर को पटना की रैली में सिलसिलाबंद बम विस्फोटों के बाद मोदी आज जिंदा है, आपके सामने बैठा है, इतने बड़े षड्यंत्र के बाद भी बच गया, इसका मतलब ईश्वर ने मेरी रक्षा करना तय कर लिया है। ईश्वर नहीं चाहता है कि मोदी मरे, ईश्वर मदद कर रहा है, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है देश के सामान्य मानवियों की सुरक्षा की, और हमारा सबका ध्यान देश के सामान्य मानवी की सुरक्षा पर होना चाहिए। मोदी रहे न रहे, बहुत मोदी आएंगे बहुत मोदी चले जाएंगे, ये देश रहने वाला है, कोटि कोटि जन रहने वाले हैं। मोदी जी, एक और सवाल है जो कि लोगों के मन में आता है, आप प्रचारक रहे, आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जब आप सरकार बनाएंगे तो उसके ऊपर एक आरएसएस की छाप भी रहेगी। आरएसएस के लोगों का ये कहना है कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब आरएसएस के लोगों की एंट्री दिल्ली में थोड़ी कम हो गई थी, यही फीडबैक गुजरात से भी आता था जब आप मुख्यमंत्री बने। आप आरएसएस के साथ किस तरह का बैलेंसिंग एक्ट रखना चाहेंगे अगर आप दिल्ली में सरकार बनाएंगे तो? आरएसएस की स्टैंप छाप कितनी रहेगी, और ये बैलेंसिंग एक्ट के बारे में अगर आप हमें बता सके तो? एक काम करें जीटीवी, पहले आरएसएस क्या है उस पर स्टडी करें, आरएसएस क्या काम करता है, आरएसएस क्या सोचता है, उस पर विस्तार से और निष्पक्ष भाव से। एनटीआरएसएस वालों ने जो आपको गंद पकड़ा दिया उसके आधार पर नहीं, वो एक बार करो तो आपके मन में सवाल ही नहीं रहेंगे। दूसरी बात है, क्या कभी पिछले 10 साल में जी टीवी में हिम्मत आई है कि उसने जा करके मैडम सोनिया जी को पूछा हो कि एनएससी है क्या, किस विचारधारा के लोग हैं, प्लानिंग कमीशन से भी एनएससी कैसे बड़ा हो गया, पीएमओ से भी प्रधानमंत्री से कैसे बड़ा हो गया, ये एनएससी कौन था, एनएससी में लोग कौन थे, किस विचारधारा के थे, किस छवि के थे, 10 साल तक देश को चलाया है कौन लोग थे, कभी फुर्सत मिली आपको? संजय बारू ने अभी संजय बारू ने किया, वो अलग है, वो जाते जाते किया। आप लोगों ने किया क्या, क्यों नहीं किया? देश आपसे भी जवाब मांग रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक जी टीवी से भी कह रहा हूँ, जवाब मांगेगा।
सोनिया गांधी कभी हमें आपकी तरह ऐसे मिलती तो मोदी जी हम जरूर पूछते, वो बूढ़ा है क्या? जी जी, अगर मिलती तो हम जरूर पूछते। लेकिन मिलते हो बूढ़ा है क्या? लेकिन हाल ही में प्रधानमंत्री ने बोला, वोटिंग करके आए बाहर, उन्होंने बोला देयर इज नो मोदी वेव इन कंट्री। देखिए प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि मुझे नहीं दिख रही है, मुझे नहीं दिख, उन्होंने ऐसा कहा। जी जी, आपका वाक्य अलग, जी जी उनका वाक्य है महत्वपूर्ण। अब मुझे बताइए 10 साल में कभी उनको महंगाई दिखाई दी? 10 साल में उनको कभी बेरोजगारी दिखाई दी? 10 साल में उनको कभी भ्रष्टाचार दिखाई दिया? अगर उनको कुछ दिखता ही नहीं है तो लहर कहाँ से दिखेगी भाई? जी चलिए, आप कई भाषणों में बोलते हैं कि 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, वो हक है देश का और मिलनी चाहिए देशवासियों को। क्या आपको लगता है इट इज़ पॉसिबल इन इंडिया एंड यू आर कॉन्फिडेंट दैट अगर आपको 5 साल का मौका मिलता है तो आप कर दिखाएंगे? हम 2001 में जब गुजरात में आए जी मुख्यमंत्री के नाते, तो जो लोग मुझे मिलते थे उनकी एक ही मांग थी कि मोदी जी कुछ भी करो कम से कम शाम को खाना खाते समय तो बिजली दो। ये 2001-2 की गुजरात के हाल थे। 2003 में मैंने बिड़ा उठाया, काम चालू किया, 1000 दिन में काम पूरा किया और उस समय के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी आए थे और पूरे हिंदुस्तान में गुजरात एक पहला राज्य बना जिसने 24/7 365 डेज बिजली देने में सफलता पाई। उस अनुभव से मैं कहता हूं कि सब कुछ संभव है और देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार चल रही है दिल्ली में, 20,000 मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं, मजदूरों की छुट्टी हो गई है। कारण कोई नहीं, एक सिर्फ कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं तो बोले फाइल खो गई। फाइल खो गई कि लाइफ खो गई और उसके कारण देश अंधेरे में डूबा हुआ है। दूसरा, जो आदमी देश के 60% इलाके को अंधेरे में डाल दिया, दुनिया भर में 21वीं सदी का हिंदुस्तान 18वीं शताब्दी में जी रहा है, ये एक मैसेज चला गया जी। एक हफ्ते में भारत सरकार ने, माँ बेटे की सरकार ने उस मंत्री को बिजली से उठा करके प्रमोशन करके होम मिनिस्टर बना दिया। जी अगर ऐसे ही तौर तरीके चलेंगे तो कहां सुधार आएगा? जी आप गुजरात मॉडल की बार बार बात करते हैं, आप बोलते और आप बीजेपी भी बार बार बोलती है कि गुजरात मॉडल को हम देश में तब्दील करेंगे। क्या आपको और सवाल राहुल गांधी ने खड़ा करा कि गुजरात मॉडल इज अ टॉफी मॉडल, क्या आपको लगता है कि वाकई गुजरात मॉडल पर जो डिबेट हो रही है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनका आप जवाब देना चाहेंगे? मैं जरूर देना चाहूंगा भाई, जवाब देने के लिए तो बैठा हूं, इतना टाइम क्यों दिया है आपको? देखिए मोदी क्या कहता है उस पर भरोसा करना चाहिए। मैं साफ मानता हूं हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मेरा खमन ढोकला सब जगह पे चले, नहीं चल सकता भाई। कहीं इडली चाहिए, कहीं पराठा चाहिए, कहीं चावल चाहिए और इसलिए इतने बड़े हिंदुस्तान को एक ही रंग से न रंगा जा सकता है, एक ही डंडे से न चलाया जा सकता है। तो ये जो चला रहे झूठ चला रहे हैं, उनको समझ नहीं है। मेरे गुजरात इतना छोटा है ना, तो भी एक डिस्ट्रिक्ट का मॉडल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं चलता है और चलाना नहीं चाहिए। 60 साल तक देश बर्बाद इसलिए हुआ है कि दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके एक मॉडल पूरे देश पर फिट करने की कोशिश की गई है जी। गलत किया है। मोदी की सोच यह है हर राज्य की अपनी जो क्षमता है उसको सबसे पहले टैप करना चाहिए, उसके भरोसे आगे बढ़ना चाहिए। अब स्टेट और सेंट्रल रिलेशंस बेटर करने की बात, अरे भाई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं जी। सुनिए तो मुझे बताइए, तमिलनाडु के पास समुद्री तट है, उसके विकास का मॉडल मध्य प्रदेश को काम आएगा क्या? वहां समुद्र तट वाला चाहिए या लैंडलॉक वाला चाहिए? मान लीजिए गुजरात राजस्थान पर रेगिस्तान है, वहां पर मुझे हिमाचल प्रदेश का मॉडल काम करेगा क्या? मुझे यहाँ का मॉडल बनाना चाहिए। ये काम देश में नहीं हुआ है। अगर मोदी से कॉमन चीज उठानी है तो वो ये है कि देश को डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस इस दो बिंदुओं पर ही चलना चाहिए। इसको अगर हम मॉडल कहे तो मॉडल, इरादा कहे तो इरादा, स्ट्रेटेजी कहे तो स्ट्रेटेजी। लेकिन यहां पर खजूर का पेड़ होता है
तो वहाँ भी खजूर का नहीं होगा, वहाँ तो आम का लगता है तो आम का लगाना पड़ेगा। ऐसा किसने बुद्धि में भर दिया है, ये विद्वान लोगों को क्या हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। मोदी जी, अगर विदेश नीति की हम बात करें, दो खास देश पाकिस्तान और अमेरिका, इन दोनों में काफ़ी बेचैनी है आपको लेकर कि अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो एक अनसर्टेनिटी जैसी बात है, हो सकता है पाकिस्तान को आपसे डर लगता हो सकता है अमेरिका को ये लगता हो कि आप उनकी लाइन को फॉलो नहीं करेंगे। आपकी जो विदेश नीति है उस पर आज आप कुछ बताना चाहेंगे देश को भी और बाहर भी जो लोग हैं उनको ये समझ में आए कि पाकिस्तान को आपसे डरने की ज़रूरत है या फिर पाकिस्तान के साथ आप मौजूदा सरकार से ज़्यादा अच्छी दोस्ती करके दिखाएंगे। देखिए, अमेरिका का जो चुनाव होता है उसमें जो तीन चार बिंदु मेन रहते हैं उसमें एक विदेश नीति रहती है। भारत का चुनाव होता है तो कभी भी विदेश नीति के आधार पर चुनाव न लड़े जाते हैं न जीते जाते हैं। ये सवाल इसलिए जी, एक मिनट पूरा कर दो भैया। भारत में रोजी रोटी पे चुनाव होता है, गरीबी से लड़ने के लिए रास्ता क्या है, नौजवान पे रोजगार क्या होता है, इन मुद्दों पर होता है। और इसलिए मैं नहीं मानता हूँ कि विदेश नीतियों के आधार पर हिंदुस्तान में आज समय है डिबेट करने का। लेकिन आपके पास पाकिस्तान की क्या जानकारी है, अमेरिका क्या जानकारी है, मैं सरकार में नहीं हूँ और मेरे पास कोई ऐसी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन का सोर्स नहीं है। और बाय द वे मिली हुई चीज़ों के आधार पर ओपिनियन बनाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है और इसलिए मैं ऐसे अनुमान के आधार पर कोई रिस्पॉन्ड करूँ उचित नहीं लगता है। तीसरी बात, एक हिंदुस्तान के नाते हमारी सोच ये है कि समस्याएं बाहर नहीं होती हैं, समस्या घर में होती है। अगर देश मजबूत है, सरकार मजबूत है, इरादे मजबूत है, तो दुनिया कभी भी हमें आंख नहीं दिखाती है। और मेरा सिद्धांत है न हमें किसी को आंख दिखानी चाहिए, न कोई हमें आंख दिखाए, न हमें आंख झुका के रहना चाहिए, न हमने किसी को आंख झुकाने के लिए मजबूर करना चाहिए। संबंध होना चाहिए आंख मिलाकर बात करने का, चाहे वो अमेरिका हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई भी हो। जी, क्योंकि ये सवाल आपसे सुधीर ने इसलिए भी पूछा क्योंकि नैन्सी पॉवेल आई आपसे मिली और फिर चली गई। मतलब वो उनकी यहाँ से छुट्टी हो गई, इससे मेरा संबंध क्या? जी, उसीलिए मैं आपसे सवाल पूछा। इसका जवाब या तो अमेरिकन गवर्नमेंट दे सकती जी, या खुद नैन्सी दे सकती है कि वो आई क्यों, गई क्यों, निकाला क्यों, रखा क्यों, मैं कैसे दे हुआ? पर क्योंकि कहा जाता है क्योंकि वो आपसे मिलने का टाइम नहीं बार बार ले पा रही थी इसलिए उनको जाना पड़ा। मेरी जानकारी नहीं है। पर आपको अच्छा तो लगता होगा सोच के कि अब ऐसा होने लगा है कि जिसकी इक्वेशन आपके साथ अच्छी ना हो, मैं अब उनके ट्रांसफर के लिए इस आधार पर होने लगे। इसको मोदी को समझना पड़ेगा आपको, ऐसी चीज़ों से न मोदी की नींद खराब होती है और न ही ऐसी चीज़ों को देख करके मोदी नाचने लगता है। मोदी ऐसी चीज़ों पर जीता नहीं है जी। मोदी जी, एक सवाल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है और ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ उन लोगों के लिए जो कि माइनॉरिटीज़ में हैं और उन लोगों के लिए भी जो एक दुष्प्रचार कैंपेन आपके खिलाफ चल रही है। SMS, व्हाट्सएप और इन चीज़ों पर एक आपको लेकर एक हेट मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं अक्सर और अभी और ज़्यादा हो रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए तो माइनॉरिटीज़ जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी, ऐसा करके बहुत माइनॉरिटीज़ को डराया जा रहा है। वो ड्राफ्टेड SMS हैं, वो सर्कुलेट होते हैं, वो मैंने भी पढ़े हैं कुछ इस तरह के मैसेजेस। उन लोगों को जो कि इनको शायद सच मान लें या ना माने, उनको आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जिसको भी ये मैसेज आते हैं वो गुजरात आकर के 10 दिन रह करके देख ले कैसा चल रहा है। नहीं, वो लोग आपको इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं, हो सकता है गुजरात ना आना। नहीं, मैं इतना तो विनती कर सकता हूँ कि आप गुजरात आओ, मैं सरकार में हूँ, सरकार चलाता हूँ भाई, 14 साल से यहाँ बैठा हूँ, उसके आधार पर वो तय करें ना जी। मोदी साहब, स्टॉक मार्केट्स की मैं थोड़ी बात करता हूँ। स्टॉक मार्केट जो है उसमें बहुत तेज़ी आ रही है। कुछ फॉरेन एक्सपर्ट्स कहते हैं, CLSA और गोल्डमैन सैक्स जैसी एजेंसीज कहते हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड नोबडी एल्स। बट चिदम्बरम साहब ने स्पेशली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मीडिया में भी स्टेटमेंट दिया कि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारा भी नतीजा है। क्या कहना चाहते हैं आप स्टॉक मार्केट फ्रेटर्निटी को? इसका जवाब भी चिदम्बरम से ही पूछना चाहिए कि उनको जाते जाते क्यों कहना पड़ा।
और खुद को क्यों कहना पड़ा, ये एजेंसियां उनके नाम क्यों नहीं देती, ये जितनी रेटिंग करने वाली एजेंसियां हैं जी और जो बारीकी से मॉनिटरिंग करती हैं जी, दे आर वेरी प्रोफेशनल, वे क्या कारण है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का नहीं ले रहे? तो जवाब या तो चिदंबरम जी ने उनको पूछना चाहिए कि भाई आप हमें अन्याय कर रहे हो, उसमें मोदी की वो कहीं आता नहीं है जी। आपने अभी से कुछ अपना भविष्य की प्लानिंग शुरू कर दिया है, जब 16 मई के नतीजे आने के बाद ही आप सोचेंगे कि आपकी कैबिनेट क्या होगी, ड्रीम कैबिनेट क्या होगी, उसके बाद आपके पहले 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, क्या करने वाले हैं, हाउ विल यू टेक इट द न्यू चैलेंज और उस दिन की जो सुबह होगी? मेरा जिम्मा मेरी पार्टी ने मुझे दिया है, भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, NDA बहुत भारी बहुमत से विजयी हो, उस काम में मैं लगा हूँ। 16 मई तक मेरे पास वो जिम्मेवारी है, 16 मई तक मैं उसी में खपा हुआ हूँ और इसलिए 1 पॉइंट प्रोग्राम है, 1 मिशन है, उसी में लगा। एक चीज़ मोदी जी, मैं आपको आपसे पूछना चाह रहा था कि ये टाइम पे आपको सपने आते हैं, आपको स्ट्रेस होता है, आपको टेंशन होती है, नरेंद्र मोदी कभी भावुक होते हैं, कभी आपके आंखों में आंसू आते हैं सोच के पुराने आपके दिन, या जैसे आपने बताया चाय बेचने वाले दिन से लेके आज जहां आप बैठे हैं, जब आप अकेले कमरे में, हालांकि आपको टाइम नहीं मिलता होगा, आप सोते भी बहुत कम है, 3.5 घंटा ही सोते हैं, कभी आप बैठते हैं अकेले और कभी सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मैं रोबोट नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ मैं बिल्कुल सामान्य इंसान हूँ। एक इंसान में जितनी कमियाँ होती हैं वो सारी कमियाँ मेरे में है, एक इंसान में जितनी बुराइयाँ होती हैं सारी बुराइयाँ मेरे में भगवान ने ठूस ठूस करके भरी हुई है, मैं किसी चीज़ से परे नहीं हूँ और मैं ऐसी दोगली बातें नहीं कर सकता हूँ, जनता के आगे में धूल नहीं झोंक सकता हूँ, मैं एक सामान्य मानवी हूँ जैसे हर कोई होता है। आखिरी बार आप भावुक कब हुए थे? हर कोई होता है, वैसा ही मेरा एक मैं सामान्य जीवन है, मेरे में भी बुराइयाँ भरपूर हैं, लेकिन अच्छे दोस्त मिले हैं, अच्छे लोग मिले हैं, उसके कारण हमेशा मेरी कोशिश अच्छाइयों के आधार पर जीने की होती है और इसी से मेरी गाड़ी चल रही है। लेकिन मैं ये दावा करूं कि मेरे जैसा कोई महान आदमी नहीं है तो मोदी झूठ बोल रहा है। इस चुनाव ने आपको थका दिया थोड़ा? मोदी झूठ बोल रहा है, इस चुनाव ने नरेंद्र मोदी को थोड़ा थका दिया है, क्योंकि चुनाव भी थोड़ा लंबा है, लगता तो ऐसा है कि और लोग थक गए जी। चलिए एक इंपॉर्टेंट सवाल। जी नहीं, मैं जी थक गया सर, इसके जी 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 माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू, अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी 2014 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? यू आर प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। बड़ा मुद्दा है गुड गवर्नेंस डेवलपमेंट, वही बड़ा मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू जी टीवी के दर्शकों को, सो मच मोदी जी। मेरी सबसे यही प्रार्थना रहेगी कि मतदान अवश्य करें, लोकतंत्र एक बहुत बड़ा उत्सव होता है और मतदान करना है हमारा दायित्व होता है, और मैं 18 से 28 की उम्र के नौजवानों को विशेष आग्रह करता हूँ कि आपके जीवन का एक गोल्डन पीरियड होता है, उस गोल्डन पीरियड में आप ऐसा फैसला लें जो आपके जीवन की एक मजबूत नींव डालने का आधार बन जाए। अच्छी सरकार उसमें मदद रूप होती है, अच्छी सरकार चुनने के लिए आप सक्रिय होकर के मैदान में आइए, मेरी आपको शुभकामनाएं हैं।